आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए 5 अलग अलग प्रकार के खतरनाक वेपन्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहला हथियार है QF-2 पाउंडर नेवल गन Mark 8। यह एक ऑटो कैनन एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को विकर्स आर्मस्ट्रांग, जो की एक UK की कंपनी है, उसके द्वारा डिजाइन किया गया था। इस ऑटो कैनन गन ने 1930 से लेकर 1940 तक अपनी सेवा दी। अगर इसके वजन की बात करें तो 390 किलोग्राम, वहीं इसकी लंबाई 2.59 मीटर थी। इस गन के बैरल की संख्या 1, 4 या फिर 8 हुआ करती थी। QF-2 गन के द्वारा 732 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार किया जा सकता था, और इस गन के द्वारा 3960 मीटर दूर तक वार किया जा सकता था। इसके द्वारा 115 राउंड गोली प्रति मिनट दागी जा सकती थी। इस गन में 14 राउंड वाले स्टील लिंक बेल्ट लगाए जाते थे। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले गोली की लंबाई 1.6 इंच हुआ करती थी। दूसरा है लैंड मैट्रेस। यह एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इस रॉकेट लॉन्चर को यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया था, जिसका वजन 1118 किलोग्राम थी। वहीं इस रॉकेट की लंबाई की बात करें तो 1.77 मीटर, वजन 30.5 किलोग्राम, और इसके वॉरहेड में 3.18 किलोग्राम तक की एक्सप्लोसिव ले जाई जा सकती थी। लैंड मैट्रेस की मारक रफ्तार की बात करें तो यह 353 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मार कर सकता था, और यह 7230 मीटर दूर तक जाने की क्षमता रखती थी। तीसरा है फ्लेम थ्रोवर पोर्टेबल NO2। यह एक आग का गोला दागने वाला गन था, जिसे यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इस फ्लेम थ्रोवर को ब्रिटिश आर्मी और कैनेडियन फोर्स इस्तेमाल करते थे। इसे 1943 से 1944 के बीच बनाया गया था। अगर इसके वजन की बात करें तो यह 29 किलोग्राम का था। एक समय पर इस गन के द्वारा 10 आग के गोले दागे जा सकते थे, जिसकी अत्यधिक दूरी 120 फीट हुआ करती थी। इस गोले को दागने के लिए कोऑर्डिनेट इग्निटर का इस्तेमाल किया जाता था। चौथा है स्पाइगोट मोर्टार, जिसे ब्लैकर बॉम्बार्डर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंटी टैंक मोर्टार था, जिसे लेफ्टिनेंट कॉलोनर स्टीवर्क ब्लैकर कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे 1941 से लेकर 1942 में सेवा प्रदान की। अगर इसके वजन की बात करें तो यह 163 किलोग्राम का हुआ करता था। इस ब्लैकर बॉम्बार्डर के द्वारा 75 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 901 मीटर दूर तक मार किया जा सकता था। इसके द्वारा 6 से 12 राउंड प्रति मिनट फायरिंग की जा सकती थी। इसे चलाने के लिए 3 से 5 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी। पांचवा है ल्यूगर पिस्टल। यह एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इसे जॉर्ज ल्यूगर द्वारा डिजाइन किया गया था। 1904 से 1953 के बीच जर्मनी द्वारा इस पिस्तल का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बहुत सारे अन्य देशों ने भी इसका इस्तेमाल अपने वॉर में किया। अगर इस पिस्टल की वजन की बात करें तो यह 871 ग्राम का था, और इसकी लंबाई 8.74 इंच की थी। इस पिस्टल के द्वारा 50 मीटर दूरी तक मार किया जा सकता था, जिसकी रफ्तार 350 से लेकर 400 मीटर प्रति सेकंड थी, और इसके द्वारा 116 राउंड प्रति मिनट फायर किया जा सकता था। इस पिस्टल में 8 गोली की जगह मौजूद थी, जिसकी गोलियों की लंबाई 9 मिलीमीटर होती थी, और यह टॉगल लॉक्ड शॉट रिकॉइल सिस्टम के द्वारा काम करता था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट कर ये जरूर बताएं कि आपको इन सभी हथियारों में कौन से हथियार सबसे ज्यादा दमदार लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।